सो हे यू गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अवर चैनल वांटेड गेमर। सो गाइस, आ चुके हैं ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। सो गाइस यार, आज की वीडियो में आपके लिए कुछ स्पेशल एंड न्यू लाने वाला हूँ। सो ये बहुत लोग मतलब सोचते होंगे क्या फायर बटन की साइज़ है हमारे ड्रैग के कुछ असर पड़ता है, मतलब क्या अगर हमारे ड्रैग का जो फायर बटन का साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा है तो ड्रैग नहीं लगेगा, मत ड्रैग ना लगेगा क्या होगा। सो गाइस, यही मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि क्या हमारे फायर बटन के साइज़ पर कुछ ड्रैग का कुछ ड्रैग पे कोई असर पड़ेगा एंड पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये तो चलो यार आपको वीडियो में एंड तक पता लग ही जाएगा। तो गाइस, एक मेरे से छोटी सभी से रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को प्लीज़ जरूर लाइक कर दो। आप लोग वीडियो को देख तो ले रहे हो बट यार वीडियो लाइक नहीं कर रहे हो, आई डोंट नो वाई, बट लाइक कर दो। क्यों नहीं कर रहे यार, वीडियो पसंद नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही यार, प्लीज़ यार कमेंट करके जरूर बता देना। एंड गाइस, चलिए वीडियो को एंड तक तो देख ही लेना यार, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड आपकी काफ़ी नॉलेज की चीज़ है, मतलब आपको ऐसा नहीं कि गेम में हेल्प भी करेगा, साथ ही ये आपका एक गेम में एक नॉलेज भी बढ़ा देगा। सो गाइस, जो कि बहुत नेसेसरी है अगर आप गेम का मतलब सीखना चाहते हो, अच्छे से खेलना चाहते हो, तो ये जो चीज़ है ये ड्रैग तो देखो सबके लिए नेसेसरी है। एंड इसी ड्रैग की चीज़ में मतलब फायर बटन साइज़ क्या मैटर करता है कि ड्रैग में नहीं करता है, वो आपके लिए वो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से जिन जिन लोगों ने यार अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर दबा देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इसको परफॉर्म करने के लिए मैंने दो ऐसे फ्री फायर के गन लिए हैं, मतलब जिसको आप रियल लाइफ जो रियल में काफ़ी अच्छे ड्रैग्स लगते हैं, तो मतलब हम उसी से पता कर पाएंगे कि हमारा ड्रैग लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो गाइस, सो मैंने गन लिया वो तो आप देख ही रहे हो, MP40 एंड यहाँ पे XM8, जिनका मतलब ड्रैग इजीली लग जाता है, तो इसी कारण से मैंने ये लिया ताकि हमारे जो ड्रैग है वो पता लग जाए इजीली, ऐसा ना हो कि मतलब उस गन से भाई रिकॉइल वकॉइल का चक्कर ना रहे। एंड गाइस, अभी आप देख रहे हो कि मतलब इन दोनों गन से बंदों की अच्छी खासी खोपड़ी फूट रही है, मतलब क्या अच्छे खासे ड्रैग लग रहे हैं अभी के मेरे फायर बटन साइज में। वैसे मैं बता दूँ, अभी मेरा करंट का फायर बटन साइज़ है वो है 60, ठीक है। एंड गाइस देखो, चलो अब तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि आपको फायर बटन साइज़ छोटा करने पे क्या होगा एंड बड़ा करने से। छोटा करने में जो सबसे बड़ी दिक्कत हुई ना मेरे को, जो सबसे वो था गाइस ये लाल। तो गाइस, ये ऐसी चीज़ है ना जिसे कोई भी मतलब परेशान होता होगा, आपके साथ ही बहुत बार ऐसा होता होगा कि मतलब स्कोप ऊपर हो गया, मतलब एम ऊपर हो गया और फायर बटन नहीं हुआ। एंड गाइस, यहाँ पे हमारा बंदा मार के निकल गया। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है फ्री फायर में क्या, ये हमारी वजह से ही दिक्कत होती है, बिकॉज हम फायर बटन को ज़्यादा छोटा करते हैं तो होता है। सो गाइस, अब मैं आपको गेम प्ले दिखाता हूँ फायर बटन को अगर हम छोटा करते हैं तो गाइस ड्रैग का कैसा परफॉर्मेंस है। अभी जो आप पीछे गेम प्ले देखते हो वो मेरा नॉर्मल फायर बटन साइज था जो था 60, ठीक है, बट अब मैं चेंज करने वाला हूँ, बिकॉज इस एक्सपेरिमेंट के बाद मेरे को एक चीज़ पता लगा है कि मतलब जितना ज़्यादा मैं क्या करूँगा कि मतलब क्या होगा। सो मैं आपको आगे बताऊँगा कि अब मैं अपने फायर बटन को बड़ा करने वाला हूँ या छोटा करने वाला हूँ। तो गाइस ये देखो, फायर बटन छोटा करने का मतलब मैंने करीब 29 कर दिया, आई डोंट थिंक कि इससे भी कम पे कोई खेलता होगा 29 से कम पे भी। सो आई थिंक ये बेस्ट रहेगा मतलब ये चेक करने के लिए कि फायर बटन साइज़ कम करने पे क्या ड्रैग हेडशॉट वर्क करता है या नहीं करता है। एंड गाइस, मैं पर्सनली बताऊँ मतलब क्या ओपी ड्रैग लग रहे हैं यार, पहले से भी बहुत अच्छे बेटर ड्रैग लग रहे हैं। सो शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज मतलब दोनों में एकदम ओपी ड्रैग लग रहे हैं। ओपी जो बोलते हैं ना फायर बटन छोटा करने के बाद, ये देखो मतलब जो बोलते हैं ना सारी गोली हेड बोलते हैं ना, ऐसा लग रहा है सिर्फ हेड से ही बातें कर रहा हूँ ऐसा लग रहा था जब मतलब मैं पैटर्न साइज का छोटा करके खेला था, मतलब सिर्फ हेड से बात हो रही थी, सिर्फ हेड से बात। एंड गाइस, यहाँ पे मैंने MP40 और ये जो बता XM8 इसका लिया, वैसे यहाँ पे मैंने M8 का भी ट्राई किया बट वो मैंने रिकॉर्ड किया नहीं, ठीक है, मतलब सिर्फ इतना ही रिकॉर्ड किया, और ज़्यादा करता फिर वीडियो बड़ी हो जाती तो एंड क्या करता है फिर उसमें। तो गाइस यहाँ देखो मतलब हेड जो बोलते हैं ना क्या ओपी तरीके का हेड लग रहा है इसमें। गाइस जो मैं बताऊँ पर्सनली तो M100 का भी इसमें काफ़ी अच्छे वन टैप लग रहे थे जब मैंने फायर बटन का साइज छोटा किया था, बट क्या ये सेम चीज़ फायर बटन के बड़े में बेटर वर्क करेगी या नहीं करेगी। एंड गाइस यहाँ देखो डेजर्ट ईगल का क्या ओपी लगा, मतलब बेहतरीन। सो कुछ कुछ जगहों पे तो नहीं लगे बिकॉज हर बार आप हेडशॉट मारो या रास्टर को होनी, एंड रास्टर भी हर बार हेडशॉट नहीं मारता है ना, कुछ भी करो एक बॉडी के खिलना कुछ ना कुछ तो आना है। बट पर्सनली बताऊँ तो मतलब फायर बटन छोटा करने के बाद मेरा जो हेडशॉट था ना वो और भी मतलब पीछे, पहले अगर मान लो 10 लग रहे थे, 10 में से अगर 5 लग रहे थे तो अब जो है ना 10 में से 8 लगने लग गए, ऐसा हुआ मेरे साथ। तो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फायर बटन का साइज़ बड़ा करके, बड़ा मैं 100 से ज़्यादा बड़ा हो नहीं सकता इसलिए मैंने कर दिया तुम्हारे भाई ने 100। एंड गाइस अब दिखाता हूँ कि क्या होता है। सो गाइस ये देखो, मैं जो मेरे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी वो मैं क्या बताऊंगा। एंड गाइस इसमें क्या ड्रैग ऐसा लग रहा था जैसा लग रहा था, कैसे ड्रैग लग रहे थे मतलब इसमें पहले से अच्छे ड्रैग लग रहे थे, बेकार लग रहे थे या नॉर्मल था या पहले जैसा ही था, क्या था। सो गाइस मैं पर्सनली बताऊँ तो मेरे को देखो लॉन्ग रेंज के अंदर, लॉन्ग रेंज में मेरे को कोई भी दिक्कत फेस करनी नहीं पड़ी, जितने भी लॉन्ग रेंज थी मतलब लॉन्ग रेंज में मेरे को लगा ही नहीं कि मैं ऐसा भी ऐसा छोटा वो करके खेल रहा हूँ, वो करके खेलता हूँ, जैसा शॉर्ट रेंज में था, जैसा हमारा फायर बटन छोटे में था ना एकदम वैसा ही मेरे को लगा कि हाँ भाई वैसा ही है। बट हाँ कुछ कुछ मूवमेंट में पर्सनली बताऊँ तो लॉन्ग रेंज में भी और शॉर्ट रेंज में भी जो सबसे बेटर थी ना वो भाई थी
फायर बटन को छोटा करके खेलने के, मतलब फायर बटन को छोटा करने के बाद ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं लॉन्ग रेंज में खेल रहा हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, मतलब काफ़ी ओपी हेड लग गया लॉन्ग रेंज में भी, ऐसा नहीं कि हेड नहीं लग रहा था। यहाँ देखो MP40 से मैंने इतने लॉन्ग रेंज में ऑब्वियसली बनी है यार, तो इतना रेंज प्लस ही है। सो गाइस मैं पर्सनली, चलो मैं बताता हूँ, तो मेरे को ना शॉर्ट रेंज में अगर आप फायर बटन का साइज़ बड़ा करके खेलते हो तो हेड नहीं लग रहे थे यार, मतलब बहुत ही रेयर में चांस में लग रहे थे, 10 में से 1-2 मुश्किल से लग जा रहा था, ठीक है ऐसे लग रहा था। एंड वहीं अगर मेरा फायर बटन का साइज़ 10 मगर छोटा था जब, तो 10 में से 8 कम से कम हेडशॉट लग रहे थे, और अब 10 में से 2, तो कई जब बहुत बड़ा डिफरेंस नंबर है, मतलब फायर बटन का साइज़ बड़ा करने से बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। इसका एक मैटर ये भी है ना, होता ये है कि हमारा जो फायर बटन है वो इस बहुत बड़ा स्पेस कवर कर लेता है, तो हमारे में ड्रैग करने की उतनी जगह बचती नहीं। अगर आपका फ़ोन छोटा है तब तो और भी ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है, बहुत बड़ा स्पेस जो होता है हमारा एक फायर बटन ले लेता है, तो इस कारण से हमें हमारे फ़ोन में ड्रैग करने की जगह नहीं होती है, एंड ड्रैग हम नहीं कर पाते, जितना हम ड्रैग छोटे में कर सकते उतना ड्रैग नहीं कर पाते। बेसिकली जो प्रॉब्लम होती है ना वो होती है स्पेस की। अब हमारे पास कम स्पेस है, और जब छोटा रहता है तो हमारे पास ज़्यादा स्पेस रहता है, तो हम ज़्यादा ड्रैग कर सकते हैं थोड़े से उसमें। सो अब मैं अपना बताता हूँ कि मैं फायर बटन को क्या करना है। सो मैं अगर बताऊँ तो मैं पर्सनली अपने फायर बटन को थोड़ा और छोटा करूँगा, लाइक अभी मैं 60 पे खेलता था, बट अब मैं ट्राई करूँगा कि 50 पे खेलूँ, बिकॉज छोटे करने के बाद मेरा ड्रैग जो था ना, मतलब और भी ओपी हेडशॉट बड़ी जल्दी पकड़ रहे थे, मतलब बोलते ना जैसे वन टैप जैसे, एकदम वैसे ही पकड़ रहे थे MP40 का भी वैसे। सो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप छोटा जितना हो सके उतना वैसे हो, ऐसा भी इतना भी छोटा मत कर लेना कि पता लगे कि भाई वही नहीं हो रहा, मतलब सिर्फ एम ऊपर उड़ जा रहा है और फायर बटन हो ही नहीं रहा है, ठीक है ऐसा भी बहुत लोगों के साथ होता है। एंड अगर आपका डिवाइस अच्छा है ना, तो मतलब फायर बटन के साइज में फिर कोई मैटर नहीं करेगा, आप चाहे 100 कर लो या 10 कर लो, मतलब वैसा ही लगेगा। अगर आपका डिवाइस मतलब अच्छा है, काफ़ी अच्छी टच आपका काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, तो इतना फ़र्क पता नहीं चलेगा आपको कि मतलब फर्क, बटन का जिसका डिवाइस अच्छा नहीं है उन पर फ़र्क पता चलेगा। सो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी यार, प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर से बताना यार, ज़रूर यार। आप लोग कमेंट नहीं करते हो गाइस आजकल, तो यार नोटिफिकेशन भी नहीं जा रहा यूट्यूब की तरफ से, है ना। जो लोग रोटेशन ड्रॉक मारते हैं ना उनके लिए ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। एंड जल्द ही M187 हेडशॉट ट्रिक भी आने वाली है, तो वीडियो पे बने रहना, चैनल पे बने रहना। सो बस आज की वीडियो में इतना मिलता है, तब से टाटा एंड बाय बाय।